देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मुझे जमशेदपुर से ट्रक लेकर निकले, लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। मैं नेशनल हाईवे 19 से होते हुए जयपुर राजस्थान जा रहा था। सरिया लेकर 1392 किलोमीटर का ये सफ़र 2 रातों में पूरा होने वाला था। मैं अभी ड्राइव कर ही रहा था कि मैंने नोटिस किया कि एक ट्रक बहुत देर से मेरे पीछे पीछे चल रहा है। हालांकि मैंने कई बार उस ट्रक को आगे निकलने के लिए रास्ता भी दिया, मगर वो ट्रक आगे निकल ही नहीं रहा था, जिससे मुझे लगा कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। थोड़ा डर तो लग रहा था, मगर मैं ड्राइव करता रहा। तकरीबन 5 किलोमीटर बाद रास्ते में एक ढाबा दिखा, तो मैंने ट्रक वहीं ढाबे के पास लगा दी। मेरे ट्रक रोकते ही वो पीछा कर रहा ट्रक आगे निकल गया। उस ट्रक को आगे निकलता देख मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर कुछ देर ढाबे पर बिताने के बाद वहां से निकला। ढाबे से निकलने के तकरीबन 15 मिनट बाद मुझे वही ट्रक हाईवे के साइड में खड़ा नजर आया। चूंकि वहां पर काफी अंधेरा था, तो कुछ साफ साफ पता नहीं चल रहा था कि वहां पर हो क्या रहा है। मगर जब मेरी ट्रक उस ट्रक के करीब पहुंचे, तो पता चला कि कुछ लोग उस ट्रक को जबरन रोके हुए हैं और उस ट्रक से सामान उतार रहे हैं। ये सब देखकर मुझे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि उस ट्रक को लूटा जा रहा है। मैंने तुरंत ही ट्रक की स्पीड बढ़ाई और वहां से तेजी से निकलने की कोशिश की, मगर उन्होंने हाईवे पर कुछ बिछा रखा था, जिस वजह से मेरे ट्रक के टायर एकदम से पंचर हो गए। और टायर पंचर होते ही मुझे ट्रक ना चाहते हुए भी रोकना पड़ा। ट्रक रोकते ही मैं अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से उतरते ही भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है, तो मैं रुका और पीछे पलटकर देखा, तो पाया कि वाकई मेरे पीछे कोई भी नहीं है। मैं धीरे धीरे वापस अपने ट्रक की तरफ बढ़ा और जब मैं ट्रक के करीब पहुंचा, तो देखा कि मेरे ट्रक के टायर तो बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद जब मैंने उस ओर देखा जहां वो दूसरी ट्रक रुकी थी, तो पाया कि वहां पर अब कोई भी ट्रक नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि भला मुझे इतना बड़ा नज़रों का धोखा कैसे हो गया। मैं अपना सिर खुजलाते हुए ट्रक में चढ़ा और ट्रक स्टार्ट की। अभी मैं कुछ दूर आया ही था कि अचानक ही वही ट्रक फिर से एक बार मेरे ठीक बराबर में आ गई। जब मैंने उस ट्रक की तरफ देखा, तो पाया कि उसमें कोई भी नहीं है। किसी को उस ट्रक में ना देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया और डर के चलते मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मेरे सरियों से भरी ट्रक हाईवे पर पलट गई। फिर ट्रक के पलटते ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया, तो देखा कि मैं ट्रक से कुछ दूर पड़ा हूँ। मुझे चोट तो आई थी, मगर ज़्यादा नहीं। फिर मेरा ध्यान पलटे हुए ट्रक पर गया, जो अब बिल्कुल खाली थी। यहाँ तक कि हाईवे पर भी मेरे ट्रक के सरियों का नामो निशान नहीं था। उस रात तो मैं किसी तरह लौट आया, मगर बाद में जो पता चला वो सुनकर मुझे ताजुब जरूर हुआ। दरअसल उस हाईवे पर एक बदमाशों की गिरोह रहती थी, जो ऐसे लोगों को लूटा करते थे और ऐसे ही लूट मार में उनकी मौत हो गई। मगर मरने के बाद भी उन बदमाशों ने लूटमार नहीं छोड़ी। वो आज भी लूटमार करते हैं, मगर बहुत ही कम लोगों को वो भूत लुटेरे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।